राजा का अपने पुत्र को राज्य सौंपकर नीति का उपदेश देना और धर्मांगद के सुराज्य की स्थिति। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, अपनी पत्नियों के इस प्रकार अनुमति देने पर महाराज रूपमांगद के हर्ष की सीमा न रही। वे अपने पुत्र धर्मांगद से इस प्रकार बोले, बेटा, इस 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का पालन करो, सदा उद्यमशील और सावधान रहना, किस अवसर पर क्या करना उचित है इसका सदा ध्यान रखना, सदाचार का पालन हो रहा है या नहीं इसकी ओर दृष्टि रखना, सदा सचेत रहना और वाणिज्य व्यवसाय को सदा प्रिय कार्य समझकर उसे बढ़ाना, राज्य में सदा भ्रमण करते रहना, निरंतर दान में अनुरक्त रहना, कुटिलता से सदा दूर ही रहना और नित्य निरंतर सदाचार के पालन में संलग्न रहना। बेटा, राजाओं के लिए सर्वत्र अविश्वास रखना ही उत्तम बताया जाता है, खजाने की जानकारी रखना आवश्यक है। पिता की ये बात सुनकर उत्तम बुद्धि वाले धर्मांगद ने भक्ति भाव से माता सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर उस राजकुमार ने उन नृपश्रेष्ठ रूपमांगद को असंख्य धन दिया। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत से सेवकों और कंठ में सुवर्ण का हार धारण करने वाली बहुत सी दासियों को नियुक्त किया। इस प्रकार पिता को सुख पहुंचाने के लिए पुत्र ने सारी व्यवस्था की। फिर उसने पृथ्वी की रक्षा का कार्य संभाला। तदनंतर अनेक राजाओं से घिरे हुए राजा धर्मांगद 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उनके भ्रमण करने से परिणाम ये होता था कि जनता के मन में पाप बुद्धि नहीं आती थी। उनके राज्य में कोई भी वृक्ष फल और फूल से हीन नहीं था। कोई भी खेत ऐसा नहीं था जिसमें जौ या धान आदि की खेती लहलहाती ना हो। उस राज्य की सभी गौएं घड़ा भर दूध देती थी। उस दूध में घी का अंश अधिक होता था और उसमें शक्कर के समान मिठास रहती थी। वह दूध उत्तम पेय, सब रोगों का नाशक, पाप निवारक तथा पुष्टिवर्धक होता था। कोई भी मनुष्य अपने धन को छिपाकर नहीं रखता था। पत्नी अपने पति से कटु वचन नहीं बोलती थी। पुत्र विनयशील तथा पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर होता था। पुत्रवधु सास के हाथ में रहती थी। साधारण लोग ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार चलते थे। श्रेष्ठ द्विज वेदोक्त धर्मों का पालन करते थे। मनुष्य एकादशी के दिन भोजन नहीं करते थे। पृथ्वी पर नदियां कभी सूखती नहीं थी। धर्मांगद के राज्यपालन में प्रवृत्त होने पर संपूर्ण जगत पुण्यात्मा हो गया था। भगवान के दिन एकादशी व्रत का सेवन करने से सब लोग इस जगत में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाते थे। भूपाल, चोर और लुटेरों का भय नहीं था। अतः अंधेरी रात में भी कोई अपने घर के दरवाजे नहीं बंद करते थे। इच्छा अनुसार विचरने वाले अतिथि घर पर आकर ठहरते थे। हल चलाए बिना ही सब और अन्न की अच्छी उपज होती थी। केवल माता के दूध से बच्चे खूब हृष्ट पुष्ट रहते थे और पति के संयोग से युवतियां भी पुष्ट और संतुष्ट रहती थी। राजाओं से सुरक्षित होकर समस्त जनता हृष्ट पुष्ट रहती थी तथा शक्ति सहित धर्म का भी भली भांति पोषण होता था। इस प्रकार सब लोगों में धर्म प्रेम की प्रधानता थी। सभी भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। राजकुमार धर्मांगद के द्वारा सारी जनता सुरक्षित थी और सबका समय बड़े सुख से बीत रहा था। उधर राजा रूपमांगद निरोग रहकर सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो प्रचुर दान की वर्षा करते और उत्सव मनाते थे। वे मोहिनी की चेष्टाओं के सुख से अत्यंत मुग्ध थे। धर्मांगद का दिग्विजय, उसका विवाह तथा उसकी शासन व्यवस्था। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मोहिनी के विलास से मोहित हुए राजा रूपमांगद के 8 वर्ष बड़े सुख से बीते। नवम वर्ष आने पर उनके बलवान पुत्र धर्मांगद ने मलय पर्वत पर 5 विद्याधरों को परास्त किया और उनसे 5 मणियों को छीन लिया, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाली और शुभ कारक थी। एक मणि में ये गुण था कि वह प्रतिदिन कोटि कोटि गुना सुंदर सुवर्ण दिया करती थी। दूसरी 1,00,000 कोटि वस्त्राभूषण आदि दिया करती थी। तीसरी अमृत की वर्षा करती
और बुढ़ापे में भी पुनः नई जवानी ला देती थी। चौथी में ये गुण था कि वह सभा भवन तैयार कर देती और उसमें इच्छा अनुसार अन्न प्रस्तुत किया करती थी। पांचवी मणि आकाश में चलने की शक्ति देती और तीनों लोकों में भ्रमण करा देती थी। उन पांचों मणियों को लेकर धर्मांगद मनशक्ति से पिता के पास आए। राजकुमार ने पिता रुक्मांगद और माता मोहिनी के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों में पांचों मणि समर्पित करके विनीत भाव से कहा, पिताजी, पर्वत श्रेष्ठ मलय पर मैंने वैष्णवास्त्र द्वारा पांच विद्याधरों पर विजय पाई है। नृपश्रेष्ठ, वे अपनी स्त्रियों सहित आपके सेवक हो गए हैं। आप ये मणियां मोहिनी देवी को दे दीजिए, वे इनके द्वारा अपनी बाहों को विभूषित करेंगी। ये मणियां समस्त कामनाओं को देने वाली है। भूपते, आपके ही प्रताप से मैंने सातों द्वीपों को बड़े कष्ट से अपने अधिकार में किया है। तदनंतर कुमार धर्मांगद ने नागों की भोगपुरी, विशाल दानवपुरी और वरुण लोक के विजय की बात सुनाकर वहां से जीत कर लाए हुए करोड़ों रत्न, हजारों श्वेत रंग के श्याम कर्ण घोड़े और हजारों कुमारियों को पिता को दिखाया और कहा, पिताजी, मैं और यह सारी संपत्तियां आपके अधीन है। तात, पुत्र को पिता के सामने आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पिता के ही पराक्रम से पुत्र की धनराशि बढ़ती है, अतः आप अपनी इच्छा के अनुसार इनका दान अथवा संरक्षण कीजिए। मेरी माताएं भी अपनी इस संपदा को देखें। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र की बात सुनकर नृपश्रेष्ठ रुक्मांगद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया के साथ उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वह सारी धन संपत्ति देखी। उन विष्णुपरायण राजा ने एक क्षण तक हर्ष में मग्न रहकर बड़े प्रेम के सहित वरुण कन्या सहित समस्त नाग कन्याओं को अपने पुत्र धर्मांगद के अधिकार में दे दिया। शेष सब वस्तुएं बहुत से रत्नों तथा दानव नारियों के साथ उन्होंने मोहिनी को अर्पित कर दी। धर्मांगद के लाए हुए धन वैभव का यथा योग्य विभाजन करके राजा ने समय पर पुरोहित जी को बुलाया और कहा, ब्राह्मण, मेरा पुत्र सदा मेरी आज्ञा के पालन में स्थित रहा है और अभी तक यह कुमार ही है, अतः इन सब कुमारियों का यह धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करे। धर्म की इच्छा रखने वाले पिता को पुत्र का विवाह अवश्य कर देना चाहिए। जो पिता पुत्रों को पत्नी और धन से संयुक्त नहीं करता, उसे इस लोक और परलोक में भी निंदित जानना चाहिए। अतः पुत्रों को स्त्री तथा जीवन निर्वाह के योग्य धन से संपन्न अवश्य कर देना चाहिए। राजा का ये वचन सुनकर पुरोहित जी बड़े प्रसन्न हुए और धर्मांगद का विवाह कराने के उद्योग में लग गए। धर्मांगद युवा होने पर भी लज्जावश स्त्री सुख की इच्छा नहीं रखते थे, तथापि पिता के आदेश से उन्होंने उस समय स्त्री संग्रह स्वीकार कर लिया। तदनंतर महाबाहु धर्मांगद ने वरुण कन्या के साथ मनोहर नाग कन्याओं के साथ भी विवाह कर लिया, जो पृथ्वी पर अनुपम रूपवती थी। शास्त्रीय विधि के अनुसार उन सबका विवाह करके धर्मांगद ने ब्राह्मणों को धन, रत्न तथा गौओं का प्रसन्नतापूर्वक दान किया। विवाह के पश्चात उन्होंने माता और पिता के चरणों में हर्ष के साथ प्रणाम किया। तदनंतर राजकुमार धर्मांगद ने अपनी माता संध्यावली से कहा, देवी, पिताजी की आज्ञा से मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न हुआ है। मुझे दिव्य भोगों तथा स्वर्ग से भी कोई प्रयोजन नहीं है। पिताजी की तथा तुम्हारी दिन रात सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। संध्यावली बोली, बेटा, तुम दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीते रहो। पिता के प्रसाद से मन के अनुरूप भोगों का उपभोग करो। बस तुम जैसे गुणवान पुत्र के द्वारा मैं इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ पुत्र वाली हो गई हूँ और सपत्नियों के हृदय में मेरे लिए उच्चतम स्थान बन गया है। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार उसका मस्तक सूंघा। तत्पश्चात उसे राजकाज देखने के लिए विदा किया। माता संध्यावली से विदा लेकर राजकुमार ने अन्य माताओं को भी प्रणाम किया और पिता की आज्ञा के अधीन रहकर वे राज्य शासन का समस्त कार्य देखने लगे। वे दुष्टों को दंड देते, साधु पुरुषों का पालन करते और सब देशों में घूम घूम कर प्रत्येक कार्य की देखभाल किया करते थे।
सर्वत्र पहुंचकर प्रत्येक मास में वहां के कार्यों का निरीक्षण करते थे। उन्होंने हाथी और घोड़ों के पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था की थी। गुप्तचर मंडल पर भी उनकी दृष्टि रहती थी। इधर उधर से प्राप्त समाचारों को वे देखते और उन पर विचार करते थे। प्रतिदिन माप और तौल की भी जांच करते रहते थे। राजा धर्मांगद प्रत्येक घर में जाकर वहां के लोगों की रक्षा का प्रबंध करते थे। उनके राज्य में कहीं दूध पीने वाला बालक माता के स्तन न मिलने से रोता हो ऐसा नहीं देखा गया। सास अपनी पुत्रवधु से अपमानित होकर कहीं भी रोती नहीं सुनी गई। कहीं भी समर्थ पुत्र पिता से याचना नहीं करता था। उनके राज्य भर में किसी के यहाँ वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। लोग अपना धन वैभव छिपाकर नहीं रखते थे। कोई भी धर्म पर दोषारोपण नहीं करता था। सधवा नारी कभी भी बिना चोली के नहीं रहती थी। उन्होंने यह घोषणा कराई थी कि मेरे राज्य में स्त्रियां घरों में सुरक्षित रहे, विधवा केश न रखावे और सौभाग्यवती कभी केश न कटावे। जो दूसरों को साधारण वृत्ति नहीं देता वह निर्दयी मेरे राज्य में निवास न करे। दूसरों को सद्गुणों का उपदेश देने वाला पुरुष स्वयं सद्गुण शून्य हो और ऋत्विक यदि शास्त्र ज्ञान से वंचित हो तो वह मेरे राज्य में निवास न करे। जो नील का उत्पादन करता है अथवा जो नील के रंग से अधिकतर वस्त्र रंगा करता है उन दोनों को मेरे राज्य से निकाल देना चाहिए। जो मदिरा बनाता है वह भी यहाँ से निर्वासित होने योग्य ही है। जो मांस भक्षण करता है तथा जो अपनी स्त्री का अकारण परित्याग करता है उसका मेरे राज्य में निवास न हो। जो गर्भवती अथवा सद्य प्रसूता युवती से समागम करता है वह मनुष्य मुझ जैसे शासकों के द्वारा दंडनीय है। राजा रुक्मांगद का मोहिनी से कार्तिक मास की महिमा तथा चातुर्मास्य के नियम व्रत एवं उद्यापन बताना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार पिता की आज्ञा से एकादशी व्रत का पालन करते हुए धर्मांगद इस पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो धर्म पालन में तत्पर न हो। महीपते, कोई भी व्यक्ति दुखी, संतानहीन अथवा कोढ़ी नहीं था। नरेश्वर, उस राज्य में सब लोग हृष्टपुष्ट थे। पृथ्वी निधि देने वाली थी। गौएं बछड़ों को दूध पिलाकर तृप्त रखती थी और एक घड़ा दूध देती थी। वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधु भरा था। एक एक वृक्ष पर एक एक दोन मधु सुलभ था। सर्वथा प्रसन्न रहने वाली पृथ्वी पर सब प्रकार के धान्यों की उपज होती थी। त्रेता के अंत का द्वापर युग सत्य युग से होड़ लगाता था। वर्षा काल बीत चला। शरद ऋतु का आकाश और गृहस्थों का घर धूल पंख से रहित स्वच्छ हो गया। राजा रुक्मांगद मोहिनी के प्रेम से अत्यंत मुग्ध होने पर भी एकादशी व्रत की अवहेलना नहीं करते थे। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीन दिनों तक राजा रति क्रीड़ा त्याग देते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए उन्हें लगभग एक वर्ष पूरा हो गया। कालज्ञ में श्रेष्ठ नरेश उस समय परम मंगल में श्रेष्ठ कार्तिक मास आ पहुंचा था, जो भगवान विष्णु की निद्रा को दूर करने वाला परम पुण्यदायक मास है। राजन, उसमें वैष्णव मनुष्यों द्वारा किया हुआ सारा पुण्य अक्षय होता है और विष्णु लोक प्रदान करता है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है। दया के तुल्य कोई धर्म नहीं है और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। वेद के समान दूसरा शास्त्र नहीं है। गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। भूमि दान के समान अन्य दान नहीं है और पत्नी सुख के समान कोई सुख नहीं है। खेती के समान कोई धन नहीं है। गाय रखने के समान कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है और इंद्रियों के संयम के समान कोई कल्याणमय साधन नहीं है। रसना तृप्ति के समान कोई तृप्ति नहीं है। ब्राह्मण के समान कोई वर्ण नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई ऐश्वर्य नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है तथा लोक में कार्तिक व्रत के समान दूसरा कोई पावन व्रत नहीं है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है।
कार्तिक सबसे श्रेष्ठ मास है और वह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। राजन, कार्तिक मास को आया देख अत्यंत मुग्ध हुए महाराज रूपमांगद ने मोहिनी से ये बात कही। देवी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत वर्षों तक रमण किया। शुभानने, इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे सुनो। देवी, तुम्हारे प्रति आसक्त होने के कारण मेरे बहुत से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गए। कार्तिक में मैं केवल एकादशी को छोड़कर और किसी दिन व्रत का पालन न कर सका। अतः इस बार मैं व्रत के पालन पूर्वक कार्तिक मास में भगवान की उपासना करना चाहता हूँ। कार्तिक में सदा किए जाने वाले भोज्यों का परित्याग कर देने पर साधक को अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा को व्रत और स्नान करके मनुष्य आजन्म किए हुए पाप से मुक्त हो जाता है। जिसका कार्तिक मास व्रत उपवास तथा नियम पूर्वक व्यतीत होता है, वह विमान का अधिकारी देवता होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः मोहिनी, तुम मेरे ऊपर मोह छोड़कर आज्ञा दो, जिससे इस समय मैं कार्तिक का व्रत आरंभ करूं। मोहिनी बोली, नृप शिरोमणि, कार्तिक मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। मैं कार्तिक महात्म्य सुनकर जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा करूंगी। रुक्मांगद ने कहा, वरानने, मैं इस कार्तिक मास की महिमा बताता हूँ। सुंदरी, कार्तिक मास में जो कृच्छ्र अथवा प्राजापत्य व्रत करता है, अथवा एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है, अथवा 3 रात का उपवास स्वीकार करता है, अथवा 10 दिन, 15 दिन या 1 मास तक निराहार रहता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में एक भुक्त अर्थात केवल दिन में एक समय भोजन या नक्त व्रत अर्थात केवल रात में एक बार भोजन अथवा अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे स्वतः प्राप्त किए हुए अन्न का दिन या रात में केवल एक बार भोजन करते हुए भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें 7 द्वीपों सहित यह पृथ्वी प्राप्त होती है। विशेषतः पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी तथा सुकर क्षेत्र में यह कार्तिक मास व्रत दान और भगवत पूजन आदि करने से भक्ति देने वाला बताया गया है। कार्तिक में एकादशी का दिन तथा भीष्म पंचक अधिक पुण्यमय माना गया है। मनुष्य कितने ही पापों से भरा हुआ क्यों न हो, यदि वह रात्रि जागरण पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करे तो फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता। वरारोहे, उस दिन जो वराहमंडल का दर्शन करता है वह बिना सांख्य योग के परम पद को प्राप्त होता है। शुभे, कार्तिक में शुकर मंडल या कोप वाराह का दर्शन करके मनुष्य फिर किसी का पुत्र नहीं होता। उसके दर्शन से मनुष्यों का आध्यात्मिक आदि 3 प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है। ब्रह्म कुमारी, उक्त मंडल श्रीधर तथा कुब्जक का दर्शन करके भी मनुष्य पाप मुक्त होते हैं। कार्तिक में तेल छोड़ दे, कार्तिक में मधु त्याग दे, कार्तिक में स्त्री सेवन का भी त्याग कर दे। देवी, इन सब के त्याग द्वारा तत्काल ही वर्ष भर के पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो थोड़ा भी व्रत करने वाला है उसके लिए कार्तिक मास सब पापों का नाशक होता है। कार्तिक में ली हुई दीक्षा मनुष्यों के जन्म रूपी बंधन का नाश करने वाली है। अतः पूरा प्रयत्न करके कार्तिक में दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है या कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करके मनुष्य यदि सुंदर कलशों का दान करता है तो वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। साल भर तक चलने वाले व्रतों की समाप्ति कार्तिक में होती है। अतः मोहिनी, मैं कार्तिक मास में समस्त पापों के नाश तथा तुम्हारी प्रीति की वृद्धि के लिए व्रत सेवन करूंगा। मोहिनी ने कहा, पृथ्वीपते, अब चातुर्मासी की विधि और उद्यापन का वर्णन कीजिए, जिससे सब व्रतों की पूर्णता होती है। उद्यापन से व्रत की न्यूनता दूर होती है और वह पुण्यकाल का साधक होता है। राजा बोले, प्रिय, चातुर्मासी में नक्त व्रत करने वाला पुरुष ब्राह्मण को षड्रस भोजन करावे, अयाचित व्रत में सुवर्ण सहित वृषभ दान करे। जो प्रतिदिन आंवले के फल से स्नान करता है वह मनुष्य दही और खीर दान करे। सुभ्रु, यदि फल न खाने का नियम ले तो उस अवस्था में फल दान करे।
तेल का त्याग करने पर घी दान करे और घी का त्याग करने पर दूध का दान करे। यदि धान्य के त्याग का नियम लिया हो तो उस अवस्था में अगहनी के चावल या दूसरे किसी धान्य का दान करे। भूमि शयन का नियम लेने पर गद्दा, रजाई और तकिया सहित शैया दान करे। पत्ते में भोजन का नियम लेने वाला मनुष्य घृत सहित पात्र दान करे। मौन व्रती पुरुष घंटा, तिल और सुवर्ण का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करावे। दोनों के लिए उपभोग सामग्री तथा दक्षिणा सहित शैया दान करे। प्रातः स्नान का नियम लेने पर अश्व दान करे और स्नेह रहित अर्थात बिना तेल के भोजन का नियम लेने पर घी और सत्तू दान करे। नख और केश न कटाने धारण करने का नियम लेने पर दर्पण दान करे। पादत्राण अर्थात जूता, खड़ाऊ आदि के त्याग का नियम लेने पर जूता दान करे। नमक का त्याग करने पर गोदान करे। प्रिय, जो इस अभिष्ट व्रत में प्रतिदिन देव मंदिर में दीप दान करता है वह सुवर्ण अथवा तांबे का घृतयुक्त दीपक दान करे तथा व्रत की पूर्ति के लिए वैष्णव को वस्त्र एवं छत्र दान करे। जो एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है वह रेशमी वस्त्र दान करे। त्रिरात्र व्रत में सुवर्ण तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत शैया दान करे। षड्रात्र आदि उपवासों में छत्र सहित शिबिका अर्थात पालकी दान करे। साथ ही हाँकने वाले पुरुष के साथ मोटा ताजा गाड़ी खींचने वाला बैल दान करे। एक भक्त अर्थात आठ पहर में केवल एक बार भोजन करने के व्रत का नियम लेने पर बकरी और भेड़ दान करे। फलाहार का नियम ग्रहण करने पर सुवर्ण का दान करे। शाकाहार के नियम में फल, घी और सुवर्ण दान करे। संपूर्ण रसों और अब तक जिनकी चर्चा नहीं की गई ऐसी वस्तुओं का त्याग करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने चांदी का पात्र दान करें। सुब्रु, जिसके लिए जो दान कर्तव्य बताया गया है उनका पालन न हो सके तो भगवान विष्णु के स्मरण पूर्वक ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करें। सुंदरी, देवता, तीर्थ और यज्ञ भी ब्राह्मणों के वचन का पालन करते हैं, फिर कल्याण की इच्छा रखने वाला कौन विद्वान मनुष्य उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। प्रिय, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जिस प्रकार यह धर्म रहस्य से युक्त उपदेश दिया था वही मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। यह दूसरे अनधिकारियों के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। यह दान और व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता का हेतु और मनोवांछित फल देने वाला है। राजा रुक्मांगद की आज्ञा से रानी संध्यावली का कार्तिक मास में कृच्छ्र व्रत प्रारंभ करना, धर्मांगद की एकादशी के लिए घोषणा, मोहिनी का राजा से एकादशी को भोजन करने का आग्रह और राजा की अस्वीकृति। मोहिनी बोली, राजेंद्र, आपने कार्तिक मास में उपवास के विषय में जो बातें कही है वे बहुत उत्तम है, पर राजाओं के लिए तीन ही कर्म प्रधान रूप से बताए गए हैं। पहला कर्म है दान देना, दूसरा प्रजा का पालन करना तथा तीसरा है विरोधी राजाओं से युद्ध करना। आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए। मैं तो आपके बिना कहीं दो घड़ी भी नहीं रह सकती, फिर 30 दिनों तक मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूँ। वसुधापते, आप जहाँ उपवास करना उचित मानते हैं वहाँ उपवास न करके महात्मा ब्राह्मणों को भोजन दान करें, अथवा यदि उपवास आवश्यक ही हो तो आपकी जो ज्येष्ठ पत्नी है वे ही यह सब व्रत आदि करें। मोहिनी के ऐसा कहने पर राजा रुक्मांगद ने संध्यावली को बुलाया। बुलाने पर वे प्रचुर दक्षिणा देने वाले महाराज के पास तत्काल आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, दासी को किस लिए बुलाया? आज्ञा कीजिए, मैं उसका पालन करूंगी। रुक्मांगद ने कहा, भामिनी, मैं तुम्हारे शील, स्वभाव और कुल को जानता हूँ। तुम्हारे आदेश से ही मैंने मोहिनी के साथ दीर्घ काल तक निवास किया है। इस तरह चिरकाल तक प्रिया के समागम सुख से मुग्ध हो निवास करते करते मेरे बहुत से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गए, तथापि मेरा एकादशी व्रत कभी भंग नहीं होने पाया है। अब संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला यह कार्तिक मास आया है। देवी, मैं उत्तम पुण्य प्रदान करने वाले इस कार्तिक व्रत को करना चाहता हूँ।
परंतु शुभे, ये ब्रह्म कुमारी मुझे इस व्रत से रोकती है, इसलिए शरीर को सुखाने वाले कृष्ण नामक व्रत का पालन मेरी ओर से तुम करो। रानी संध्यावली ने उस समय पतिदेव का वह प्रस्ताव सुनकर कहा, प्रभु मैं आपके संतोष के लिए व्रत का पालन अवश्य करूंगी। आपके लिए मैं अपने शरीर को आग में भी झोंक सकती हूँ। भूमिपाल, आपने जो आज्ञा दी है वह तो बहुत उत्तम है। नरदेवनाथ, मैं इसका पालन अवश्य करूंगी। यमराज के शत्रु राजा रुक्मांगद से ऐसा कहकर मनोहर एवं विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने उन्हें प्रणाम किया और समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए उस उत्तम व्रत का पालन आरंभ किया। अपनी प्रिया द्वारा उत्तम कृष्ण व्रत प्रारंभ किए जाने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी की पुत्री मोहिनी से ये बात कही, सुभ्रु मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। देवी, मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं निहित है उन सबको सफल कर लो। मैं तुम्हारे संतोष के लिए राज्य शासन के समस्त कार्यों से अलग हो गया हूँ। तुम्हारे सिवा दूसरी कोई नारी मुझे सुख देने वाली नहीं है। अपने प्राणवल्लभ के मुख से ऐसी बात सुनकर मोहिनी के हर्ष की सीमा न रही। उसने राजा से कहा, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षस सब मेरी दृष्टि में आए, किंतु मैं सबको त्याग कर केवल आपके प्रति स्नेह युक्त हो मंदराचल पर आई थी। लोक में काम की सफलता इसी में है कि प्रिया और प्रियतम दोनों एक चित्त हो, परस्पर एक दूसरे को चाहते हो। उस समय महाराज रुक्मांगद के कानों में डंके की चोट सुनाई दी, जो मतवाले गजराज के मस्तक पर रख कर धर्मांगद के आदेश से बजाया जा रहा था। उस पटर ध्वनि के साथ यह घोषणा हो रही थी, लोगों, कल प्रातः काल से भगवान विष्णु का दिन अर्थात एकादशी है, अतः आज केवल एक समय भोजन करके रहो, क्षार नमक छोड़ दो, सबके सब हविषान्न का सेवन करो, भूमि पर शयन करो, स्त्री संगम से दूर रहो और पुराण पुरुषोत्तम देव देवेश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करो। आज एक समय भोजन करके कल दिन रात उपवास करना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे लिए श्राद्ध चाहे न किया गया हो, तुम्हें पिंड न मिला हो और तुम्हारे पुत्र गया में जाकर श्राद्ध न कर सके हो, तो भी तुम्हें भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यह कार्तिक शुक्ला एकादशी भगवान श्री हरि की निद्रा दूर करने वाली है। प्रातःकाल एकादशी प्राप्त होने पर तुम कदापि भोजन न करो। इस प्रबोधिनी एकादशी को उपवास करने से इच्छानुसार किए हुए ब्रह्महत्या आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। यह तिथि धर्मपरायण तथा न्याय युक्त सदाचार का पालन करने वाले पुरुषों को प्रबोध अर्थात ज्ञान देती है और इसमें भगवान विष्णु का प्रबोध अर्थात जागरण होता है, इसलिए इसका नाम प्रबोधिनी है। इस एकादशी को जो एक बार भी उपवास कर लेता है वह मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। मनुष्यों, तुम अपने वैभव के अनुसार इस एकादशी को चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु की पूजा करो। वस्त्र, उत्तम चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप तथा हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल एवं उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणारविंदों की अर्चना करो। जो भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले मेरे इस धर्म सम्मत वचन का पालन नहीं करेगा, निश्चय ही उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस प्रकार मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले नगाड़े को बजाकर जब उक्त घोषणा की जा रही थी, उस समय वे भूपाल मोहिनी की शैया छोड़कर उठ गए। फिर मोहिनी को मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए बोले, देवी कल प्रातःकाल पापनाशक एकादशी तिथि होगी, अतः आज मैं संयम पूर्वक रहूंगा। तुम्हारी आज्ञा से मैंने कृष्ण व्रत तो संध्यावली देवी के द्वारा कराया है, किंतु यह प्रबोधिनी एकादशी मुझे स्वयं भी करनी है। यह संपूर्ण पाप बंधनों का उच्छेद करने वाली तथा उत्तम गति देने वाली है, अतः मोहिनी देवी आज मैं हविष्य भोजन करूंगा और संयम नियम से रहूंगा। विशाल लोचने, तुम भी मेरे साथ उपवास पूर्वक समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान अधोक्षज की आराधना करो, जिससे निर्वाण पद को प्राप्त करोगी। मोहिनी बोली, राजन चक्रधारी भगवान विष्णु का पूजन जन्म मृत्यु तथा जरावस्था का नाश करने वाला है, ये बात आपने ठीक कही है, किंतु पहले मंदराचल के शिखर पर आपने मुझे अपना दाहिना हाथ देकर प्रतिज्ञा की है, उसके पालन का समय आ गया है, अतः मुझे आप वर दीजिए। यदि नहीं देते हैं तो जन्म से लेकर अब तक आपने बड़े यत्न से जो पुण्य संचय किया है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रुक्मांगद ने कहा, प्रिय
आओ, तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूँगा। मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए देने योग्य न हो। मेरा यह जीवन तक तुम्हें अर्पित है, फिर ग्राम, धन और पृथ्वी के राज्य आदि की तो बात ही क्या है। मोहिनी बोली, राजन, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो आप एकादशी के दिन उपवास न करके भोजन करें, यही वर मुझे देना चाहिए, जिसके लिए मैंने पहले ही आपसे प्रार्थना कर ली है। महाराज, यदि आप वर नहीं देंगे तो असत्यवादी होकर घोर नरक में जाएंगे और एक कल्प तक उसी में पड़े रहेंगे। राजा ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात न कहो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। अहो, तुम ब्रह्मा जी की पुत्री होकर धर्म में विघ्न क्यों डालती हो? शुभे, जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी एकादशी को भोजन नहीं किया, तब आज जबकि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? जिसकी जवानी बीत चुकी है और जिसकी इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई है, उस मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह गंगा जी का सेवन या भगवान विष्णु की आराधना करे। सुंदरी, मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे व्रत को भंग न करो। मैं तुम्हें राज्य और संपत्ति दे दूंगा, अथवा इसकी इच्छा न हो तो और कोई कार्य कहो, मैं उसे पूरा करूंगा। अमावस्या के दिन मैथुन करने पर जो पाप होता है, चतुर्दशी को हजामत बनवाने से मनुष्य में जिस पाप का संचार होता है और षष्ठी को तेल खाने या लगाने से जो दोष होता है, वे सब एकादशी को भोजन करने से प्राप्त होते हैं। गोचर भूमि का नाश करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, धरोहर हड़पने वाले, कुमारी कन्या के विवाह में विघ्न डालने वाले विश्वासघाती, मरे हुए बछड़े वाली गाय को दूहने वाले तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके न देने वाले पुरुष को जो पाप लगता है, मणिकुट, तुलाकुट, कन्यानृत और गवानृत में जो पातक होता है, वही एकादशी को अन्न में विद्यमान रहता है। चारुलोचने, मैं इन सब बातों को जानता हूँ, अतः एकादशी को पाप में भोजन कैसे करूँगा? मोहिनी बोली, राजेंद्र, एक मुक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत अथवा उपवास के द्वारा एकादशी व्रत को सफल बनावे, उसका उल्लंघन न करे, यह बात ठीक हो सकती है। किंतु जिन दिनों मैं मंदराचल पर रहती थी, उन दिनों महर्षि गौतम ने मुझे एक बात बताई थी, जो इस प्रकार है। गर्भिणी स्त्री, गृहस्थ पुरुष, क्षीणकाय रोगी, शिशु, वलिगात्र अर्थात जुरियों से जिसका शरीर भरा हुआ है, ऐसा यज्ञ के आयोजन के लिए उद्यत पुरुष एवं संग्राम भूमि में रहने वाले योद्धा तथा पतिव्रता स्त्री, इन सब के लिए निराहार व्रत करना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ, एकादशी को बिना व्रत के नहीं व्यतीत करना चाहिए, यह आज्ञा उपर्युक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। अतः जब आप एकादशी को भोजन कर लेंगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी, अन्यथा यदि आप अपना सिर काटकर भी मुझे दे दे तो भी मुझे प्रसन्नता न होगी। राजन, यदि आप एकादशी को भोजन नहीं करेंगे तो आप जैसे असत्यवादी के शरीर का मैं स्पर्श नहीं करूंगी। महाराज, समस्त वर्णों और आश्रमों में सत्य की ही पूजा होती है। महीपते, आप जैसे राजाओं के यहाँ तो सत्य का विशेष आदर होना चाहिए। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। भूपाल, सत्य पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य ही संपूर्ण जगत को धारण करता है। सत्य से वायु चलती है, सत्य से आग जलती है और इस संपूर्ण चराचर जगत का आधार सत्य ही है। सत्य के ही बल से समुद्र अपनी मर्यादा के आगे नहीं बढ़ता। राजन, सत्य से ही बंधकर विंध्य पर्वत ऊंचा नहीं उठता और सत्य के ही प्रभाव से युवती स्त्री समय बीतने पर कभी गर्भ धारण नहीं करती। सत्य में स्थित होकर ही वृक्ष समय पर फूलते फलते दिखाई देते हैं। महीपते, मनुष्यों के लिए दिव्य लोक आदि के साधन का आधार भी सत्य ही है। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों से भी बढ़कर सत्य ही है। यदि आप असत्य का आश्रय लेंगे तो मदिरा पान के तुल्य पातक से लिप्त होंगे। राजा रुक्मांगद द्वारा मोहिनी के आक्षेपों का खंडन, एकादशी व्रत की वैदिकता, मोहिनी द्वारा गौतम आदि ब्राह्मणों के समक्ष अपने पक्ष की स्थापना। राजा बोले, वरानने, गिरी श्रेष्ठ मंदराचल पर एकादशी को भोजन करने के विषय में तुमने जो
जो महर्षि गौतम की कही हुई बात बताई है वह कथन पुराण सम्मत नहीं है। पुराण में तो विद्वानों का किया हुआ यह निर्णय स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि को भोजन न करे। फिर मैं एकादशी को भोजन कैसे करूँगा? एकादशी के दिन क्षीणकाय पुरुषों के लिए मुनीश्वरों ने फल मूल दूध और जल को अनुकूल एवं भोज्य बताया है। एकादशी को किसी के लिए अन्न का भोजन किन्हीं महापुरुषों ने नहीं कहा है। जो लोग ज्वर आदि रोगों के शिकार हैं, उनके लिए तो उपवास और उत्तम बताया गया है। धार्मिक पुरुषों के लिए एकादशी के दिन उपवास शुभ एवं सद्गति देने वाला कहा गया है। अतः तुम भोजन करने के लिए आग्रह न करो, इससे मेरा व्रत भंग हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हें जो भी रुचिकर प्रतीत हो वह कार्य मैं अवश्य करूँगा। मोहिनी ने कहा, राजन आप एकादशी को भोजन करें, इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एकादशी के दिन यह उपवास का विधान वेदों में नहीं देखा जाता है। भूपते, मोहिनी की यह बात सुनकर वेद वेताओं में श्रेष्ठ राजा रुक्मांगद मन में तो कुपित हुए, परंतु बाहर से हंसते हुए बोले, मोहिनी मेरी बात सुनो। वेद अनेक रूपों में स्थित है। यज्ञ आदि कर्मकांड वेद है, स्मृति वेद है, और ये दोनों प्रकार के वेद पुराणों में प्रतिष्ठित है। अतः वरानने, मैं वेदार्थ से अधिक पुराणार्थ को मान्यता देता हूँ। जो शास्त्र को बहुत कम जानता है उससे वेद डरता है कि यह कहीं मुझ पर ही प्रहार न कर बैठे। सब विषयों का निर्णय इतिहास और पुराणों ने पहले से करके रखा है। वेदों में जो नहीं देखा गया वह सब स्मृति में दृष्टिगोचर होता है। वेदों और स्मृतियों में जो बात नहीं देखी गई है उसका वर्णन पुराणों ने किया है। प्रिय, हत्या आदि पापों का प्रायश्चित तथा रोगी के औषध का वर्णन भी पुराणों में मिलता है। उन प्रायश्चितों के बिना पाप की शुद्धि नहीं हो सकती। सुब्रु, वेदों, वेद के उपांगों, पुराणों तथा स्मृतियों द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह सब वेद में ही बताया गया है, ऐसा मानना चाहिए। वरानने, पुराण बार बार यही दोहराते हैं कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। पिता को कौन नहीं प्रणाम करेगा? कौन माता की पूजा नहीं करेगा? कौन सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा के समीप नहीं जाएगा? और कौन है जो एकादशी को भोजन करेगा? कौन वेद की निंदा करेगा? कौन ब्राह्मण को नीचे गिराएगा? कौन परस्त्री गमन करेगा? और कौन एकादशी को अन्न खाएगा? मोहिनी ने कहा, गुरुणिके, तुम शीघ्र जाकर वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों को यहाँ बुला लाओ, जिनके वाक्य से प्रेरित होकर ये राजा एकादशी को भोजन करे। उसकी बात सुनकर घूर्णिका गई और वेद विद्या से सुशोभित गौतम आदि ब्राह्मणों को बुलाकर मोहिनी के पास ले आई। उन वेद वेदांग के पारंगत ब्राह्मणों को आया देख राजा सहित मोहिनी ने प्रणाम किया। वह अपना काम बनाने के प्रयत्न में लग गई थी। महिपाल, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वे सब ब्राह्मण सोने के सिंहासनों पर बैठे। तदनंतर उनमें से वयोवृद्ध ब्राह्मण गौतम ने कहा, देवी, सब प्रकार के संदेह का निवारण करने वाले तथा अनेक शास्त्रों में कुशल हम सब ब्राह्मण यहाँ आ गए हैं। जिसके लिए हमें बुलाया गया है वह कारण बताइए। उनकी बात सुनकर मोहिनी बोली, ब्राह्मणों, हमारा यह संदेह तो जड़तापूर्ण है, साथ ही छोटा भी है। इस पर अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोग प्रकाश डालें। ये राजा कहते हैं, मैं एकादशी के दिन भोजन नहीं करूँगा, किंतु यह संपूर्ण चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका है। मरे हुए पितर भी अन्न द्वारा श्राद्ध करने पर स्वर्ग लोक में तृप्ति एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। द्विजवरों, स्वर्ग के देवता वेद के बराबर पुरोडाश की भी आहुति पाने की इच्छा रखते हैं। अतः अन्न सर्वोत्तम अमृत है। भूखी हुई चींटी भी मुख से चावल लेकर बड़े कष्ट से अपने बिल के भीतर जाती है। भला अन्न किसको अच्छा नहीं लगता? ये महाराज एकादशी प्राप्त होने पर खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, किंतु व्रत का सेवन विधवाओं और यतियों के लिए ही उचित होता है। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। स्त्रियों के लिए पति सेवा, पुत्रों के लिए माता पिता की सेवा, शूद्रों के लिए द्विजों की सेवा तथा राजाओं के लिए संपूर्ण जगत की रक्षा स्वधर्म है।
जो अपने धर्मानुकूल कर्म का परित्याग करके अज्ञान अथवा प्रमादवश परधर्म के लिए कष्ट उठाता है वह निश्चय ही पतित है। इन राजा का शरीर तो अत्यंत क्षीण हो गया है, फिर ये एकादशी के दिन संयम नियम का पालन कैसे करेंगे? अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है और प्राण से शरीर में विशेष रूप से चेष्टा की शक्ति आती है। चेष्टा से शत्रु का नाश होता है। जो चेष्टा या पुरुषार्थ से रहित है उसका पराभव होता है। ऐसा जानकर मैं राजा को बराबर समझाती हूँ, परंतु ये समझ नहीं पाते। राजा के द्वारा एकादशी के दिन भोजन विषयक मोहिनी तथा ब्राह्मणों के वचन का खंडन, मोहिनी का रुष्ट होकर राजा को त्याग कर जाना और धर्मांगद का उसे लौटा कर लाना एवं पिता से मोहिनी को दी हुई वस्तु देने का अनुरोध करना। वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी की कही हुई बात सुनकर वे ब्राह्मण लोग यह ठीक ही है ऐसा कहकर राजा से बोले। ब्राह्मणों ने कहा, राजन आपने जो यह पुण्यमय शपथ कर ली है कि दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए वह निश्चय शास्त्र दृष्टि से नहीं अपनी बुद्धि से ही किया गया है। जो अग्निहोत्री है उनके लिए दोनों संध्याओं में भोजन का विधान है। ब्राह्मण आदि तीन वर्ण के लोग होमा वशिष्ठ अर्थात यज्ञशिष्ट अन्न के भोक्ता बताए गए हैं। प्रभु जो सदा अस्त्र शस्त्र उठाए ही रहते हैं और दुष्ट पुरुषों को संयम में रखते हैं ऐसे भूपालों के लिए विशेषतः उपवास कर्म कैसे उचित हो सकता है? शास्त्र से या अशास्त्र से आपने इस व्रत के लिए जो प्रतिज्ञा कर ली है वह ठीक है, किंतु आप ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, इससे आपका व्रत भंग नहीं हो सकता। यह वचन सुनकर राजा के मन में बड़ा क्रोध हुआ, पर वे उन ब्राह्मणों से मधुरवाणी में बोले, विप्रवरो आप लोग सब प्राणियों को मार्ग दिखाने वाले हैं, अतः आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन उपवास का विधान करने वाले वचन को अर्थात केवल यतियों और विधवाओं के लिए ही विहित बताते हैं वे ठीक नहीं कहते हैं। वैष्णवों का कहीं ऐसा मत नहीं है। आप लोगों ने जो यह कहा है कि राजाओं के लिए उपवास का विधान नहीं है उसके विषय में वैष्णवाचार लक्षण के वचन सुनाता हूँ, आप लोग सुने। मदिरा कभी नहीं पीनी चाहिए। ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को जुए का खेल नहीं खेलना चाहिए और एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं करने योग्य कार्य को करके कौन 100 वर्षों तक जीवित रहता है? कौन सचेष्ट मनुष्य है जो एकादशी के दिन भोजन करे? उत्तर दिशा में रहने वाले विष्णु धर्म परायण ब्राह्मणों को तो उचित है कि वे एकादशी के दिन पशुओं को भी अन्न न दें। द्विजोत्तमों मेरा शरीर क्षीण नहीं है और मैं रोगी भी नहीं हूँ, अतः ब्राह्मण के कहने मात्र से मैं एकादशी के व्रत का त्याग कैसे करूँगा? मेरा पुत्र धर्मांगद इस भूतल की रक्षा कर रहा है, अतः मैं लोक या प्रजा की रक्षा रूप धर्म से भी शून्य नहीं हूँ। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। द्विजवरो ऐसा जानकर आप लोगों को वैष्णव व्रत का पालन करने वाले मेरे प्रतिकूल कोई व्रतनाशक वचन नहीं कहना चाहिए। देवता दानव गंधर्व राक्षस सिद्ध ब्राह्मण हमारे पिता भगवान विष्णु भगवान शिव अथवा मोहिनी के पिता श्री ब्रह्मा जी सूर्य अथवा और कोई लोकपाल स्वयं आकर कहे तो भी मैं एकादशी को भोजन नहीं करूँगा। द्विजो इस पृथ्वी पर विख्यात यह राजा रुक्मांगद अपनी सच्ची प्रतिज्ञा को कभी निष्फल नहीं कर सकता। ब्राह्मणों इंद्र का तेज क्षीण हो जाए हिमालय बदल जाए समुद्र सूख जाए तथा अग्नि अपनी स्वाभाविक उष्णता को त्याग दे तथापि मैं एकादशी के दिन उपवास रूप व्रत का त्याग नहीं करूँगा। विप्रगण तीनों लोकों में यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है और डंके की चोट से दोहराई जाती है कि जो लोग रुक्मांगद के गांव, देश तथा अन्य स्थानों में एकादशी को भोजन करेंगे वे पुत्र सहित दंडनीय एवं वध्य होंगे और उनके लिए इस राज्य में ठहरने का स्थान नहीं होगा। एकादशी का दिन सब यज्ञों से प्रधान पापनाशक धर्मवर्धक मोक्षदायक तथा जन्म रूपी बंधन को काटने वाला है। यह तेज की निधि है और सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि भी है। इस तरह के शब्द की घोषणा होने पर भी यदि मैं एकादशी को भोजन करता हूँ तो पाप का प्रवर्तक हो जाऊँगा।
मेरा व्रत भंग हो जाने पर मुझे जन्म देने वाली माता अपने को व्यर्थ मानेगी तथा ब्राह्मण देवता तथा पितर निराश होंगे। जो वेद पुराण और शास्त्रों को नहीं मानता वह अंत में सूर्य पुत्र यमराज की पुरी में जाता है। जो वमन करके फिर उसे खाता है उसी के समान वह भी है जो अपनी प्रतिज्ञा तथा व्रत को भंग कर देता है। वेद शास्त्र पुराण संत महात्मा तथा धर्म शास्त्र कोई भी ऐसे नहीं है जो भगवान विष्णु के प्रिय कार्य के योग्य एकादशी के दिन भोजन का विधान करते हों। एकादशी के दिन का व्रत भगवान विष्णु के पद को देने वाला है। उस दिन क्षयाह तिथि होने पर भी अन्न भोजन की बात मूढ़ पुरुष ही कर सकते हैं। राजा की यह बात सुनकर मोहिनी भीतर ही भीतर जल उठी और क्रोध से आंखें लाल करके पति से बोली, राजन तुम मेरी बात नहीं स्वीकार करते हो तो धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। पृथ्वीपते तुमने वर देने के लिए अपना हाथ सौंपा था, अपनी उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करके यदि दिए हुए वचन का पालन न करोगे तो मैं चली जाऊंगी। नरेश अब मैं न तो तुम्हारी प्यारी पत्नी हूँ और न तुम मेरे पति। तुम अपने वचन को मिटाकर धर्म का नाश करने वाले हो, तुम्हें धिक्कार है। ऐसा कहकर मोहिनी बड़ी उतावली के साथ उठी और जिस प्रकार सती देवी महादेव जी को छोड़कर गई थी उसी प्रकार वह राजा को छोड़कर ब्राह्मणों को साथ ले उसी समय वहां से चल दी। उस समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मोहिनी हा तात हा जगन्नाथ, जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले परमेश्वर मेरी सुध लो, इन शब्दों का जोर जोर से उच्चारण करती हुई विलाप कर रही थी। इसी समय धर्मांगद सारी पृथ्वी का परिभ्रमण करके घोड़े पर चढ़े हुए आए। उनके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था, उन्होंने मोहिनी की वह पुकार अपने कानों सुन ली थी। धर्मांगद बड़े पितृभक्त थे। धर्ममूर्ति रुक्मांगद कुमार तुरंत घोड़े से उतर पड़े और पिता के चरणों के समीप गए। उन्हें प्रणाम करके धर्मांगद ने फिर उठकर हाथ जोड़ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया। राजन तदनंतर रोषयुक्त हृदय वाली मोहिनी को शीघ्र गति से बाहर जाती देख धर्मांगद बड़े वेग से सामने गए और हाथ जोड़कर बोले, माँ किसने तुम्हारा अपमान किया है? देवी तुम तो पिताजी को अधिक प्रिय हो, आज रुष्ट कैसे हो गई? इन ब्राह्मणों के साथ इस समय तुम कहाँ जा रही हो? धर्मांगद की बात सुनकर मोहिनी बोली, बेटा तुम्हारे पिता झूठे हैं, जिन्होंने अपना हाथ मुझे देकर भी उसे व्यर्थ कर दिया। अतः तुम्हारे पिता रुक्मांगद के साथ रहने का अब मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। धर्मांगद ने कहा, देवी तुम जो कहोगी उसे मैं तुरंत करूंगा। माँ तुम क्रोध न करो, तुम पिताजी को अधिक प्रिय हो, अतः उनके पास लौट चलो। मोहिनी बोली, वत्स मुंह मांगा वरदान देने की शर्त रखकर तुम्हारे पिता ने मंदराचल पर मुझे अपनी पत्नी बनाया था। देवेश्वर भगवान शिव इसके साक्षी हैं, किंतु तुम्हारे पिता रुक्मांगद अब उस प्रतिज्ञा से गिर गए हैं। राजकुमार मैं उनसे सुवर्ण धन हाथी घोड़े गांव या बहुमूल्य वस्त्र नहीं मांगती हूँ जिससे उनकी आर्थिक हानि हो। देहधारियों में श्रेष्ठ बेटा धर्मांगद जिससे वे अपने शरीर को पीड़ा दे रहे हैं वही वस्तु मैंने उनसे मांगी है, किंतु वे मोहवश उसे भी नहीं दे रहे हैं। नृपनंदन उन्हीं के शरीर की भलाई के लिए उन्हीं के सुख के लिए मैंने वर मांगा है, किंतु वे नृपश्रेष्ठ उसे न देकर आज भयंकर असत्य के दलदल में फंस गए हैं। असत्य मदिरा पान के समान घृणित पाप है, इस कारण तुम्हारे पिता को मैं त्याग रही हूँ, अब उनके साथ मेरा रहना नहीं हो सकता। मोहिनी का ये वचन सुनकर पुत्र धर्मांगद ने कहा, मेरे जीते जी मेरे पिता कभी झूठे नहीं हो सकते। वरारोहे तुम लौटो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। देवी मेरे पिता ने पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया है, फिर वे महाराज मुझ पुत्र के होते हुए असत्य कैसे बोलेंगे? जिनके सत्य पर देवता असुर तथा मानवों सहित संपूर्ण लोक स्थित है, जिन्होंने यमराज के घर को पापियों से शून्य कर दिया है, जिनकी कीर्ति रोज बढ़ रही है और उससे संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल व्याप्त हो गया है, वे ही भूपाल शिरोमणि असत्य भाषण में तत्पर कैसे हो सकते हैं? मैंने महाराज का वचन सुना नहीं है, फिर उनके परोक्ष में तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? शुभानने मुझ पर दया करके लौट चलो। राजन
धर्मांगद का यह कथन सुनकर मोहिनी लौटी। सूर्य के समान तेजस्वी रुक्मांगद जिस शैया पर मृतक के समान लेटे थे, उसी पर धर्मांगद ने मोहिनी को बिठाया। वह शैया सुवर्ण से विभूषित अनुपम और मनोहर थी। जब मोहिनी उस पर बैठ गई, तब धर्मांगद ने हाथ जोड़कर पिता से मधुरवाणी में कहा, तात, ये मेरी माता मोहिनी आज आपको असत्यवादी बता रही है। महाराज, इस पृथ्वी पर आप असत्यवादी क्यों होंगे? आप सातों समुद्रों से युक्त भूमंडल का शासन करते हैं। आपके पास खजाना है, रत्नों की राशि संचित है। प्रभो, यह सब आप इन्हें दे दीजिए। और भी जो कुछ देने की प्रतिज्ञा आपने की हो, वह दे दीजिए। पिताजी, जब मैं धनुष बाण धारण करके खड़ा हूँ, तो आपके प्रतिकूल आचरण कौन कर सकता है? आप चाहे तो देवी को इंद्र पद दे दीजिए और इंद्र को जीता हुआ ही समझिए। ब्रह्मा जी का पद अत्यंत दुर्लभ है, वह योगियों के ही अनुभव में आने योग्य तथा निरंजन है। यदि देवी चाहे तो मैं तपस्या से ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके वह भी इन्हें दे दूंगा। राजेंद्र, इस त्रिलोकी में जो दुष्कर हो अथवा अधिक प्रिय होने से जो देने योग्य न हो, वह भी मोहिनी देवी को दे दीजिए। ये चाहे तो मेरा अथवा मेरी जननी का जीवन भी इन्हें दे सकते हैं। इससे आप तत्काल ही इस लोक में सदा के लिए उत्तम कीर्ति से सुशोभित हो जाएंगे। राजा रुक्मांगद का एकादशी को भोजन न करने का ही निश्चय। राजा बोले, बेटा, मेरी कीर्ति नष्ट न हो जाए, मैं असत्यवादी हो जाऊं अथवा घोर नरक में ही पड़ जाऊं, किंतु एकादशी के दिन भोजन कैसे करूंगा? पुत्र, यह मोहिनी देवी ब्रह्मा जी के लोक में चली जाए। यह मुझसे बार बार यही कहती है कि मैं पापनाशिनी एकादशी के दिन तुम्हें भोजन कराने के सिवा राज्य, वसुधा और धन आदि दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहती। यह जो हमारी दुंदुभी स्वयं गुरुतर होकर गंभीर नाद करती हुई लोगों को शिक्षा देती है, वह आज असत्य कैसे हो जाए? अभक्ष्य भक्षण, अगम्य स्त्री के साथ संगम तथा न पीने योग्य मदिरा आदि का पान करके कोई 100 वर्ष क्यों जिएगा? इस चंचल कटाक्ष वाली मोहिनी के वियोग से यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो वह भी यहाँ अच्छा ही है, किंतु मैं एकादशी के दिन भोजन नहीं करूँगा। तात, नरकों की जो पंक्तियाँ मैंने सुनी कर दी है, वे मेरे भोजन करते ही पुनः ज्यों की त्यों लोगों से भर जाएंगी। मेरा रुक्मांगद नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और एकादशी के उपवास से ही मैंने इस यश का संचय किया है। वही अब मैं एकादशी को भोजन करके अपने ही द्वारा फैलाए हुए यश का नाश कैसे कर दूंगा? मोहिनी मर जाए या चली जाए, गिर जाए या नष्ट हो जाए, तथापि मेरा मन इसके लिए एकादशी के उपवास से विरक्त नहीं हो सकता। स्त्री पुत्र आदि कुटुंबी जनों के साथ मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ, परंतु भगवान मधुसूदन के पुण्यमय दिवस एकादशी को अन्न का सेवन नहीं करूँगा। संध्यावली मोहिनी संवाद। रानी संध्यावली का मोहिनी को पति की इच्छा के विपरीत चलने में दोष बताना। वशिष्ठ जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर पुत्र धर्मांगद ने अपनी कल्याणमयी माता संध्यावली को शीघ्र ही बुलाया। पुत्र के कहने से वे उसी क्षण महाराज के समीप आई। धर्मांगद ने उनसे मोहिनी तथा पिता की भी बातें कह सुनाई और निवेदन किया, माँ, दोनों की बातों पर विचार करके मोहिनी को सांत्वना दो। यह एकादशी के दिन राजा को भोजन कराने पर तुली हुई है। मेरे पिता जिस प्रकार सत्य से विचलित न हो और एकादशी को भोजन भी न करे, ऐसा कोई उपाय निकालो। ऐसा होने पर ही दोनों का मंगल होगा। राजन, पुत्र की बात सुनकर संध्यावली देवी ब्रह्मपुत्री मोहिनी से उस समय मधुरवाणी में बोली, वामोरु, आग्रह न करो। एकादशी प्राप्त होने पर अन्न मात्र में पाप का संपर्क हो जाता है, अतः महाराज किसी प्रकार भी उसका आस्वादन नहीं कर सकते। तुम राजा का अनुसरण करो, ये हम लोगों के सनातन गुरु है। जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, उसे सावित्री के समान अक्षय तथा निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। देवी, यदि उन्होंने पहले मंदराचल पर काम से पीड़ित होकर तुम्हें अपना हाथ दिया है, तो उस समय इन्होंने योग्य का विचार नहीं किया। जो देने लायक वस्तु है उसे तो वे दे ही रहे हैं, और जो नहीं देने योग्य वस्तु है उसको तुम मांगो भी मत। जो सन्मार्ग में स्थित है
उसे यदि विपत्ति भी प्राप्त हो तो वह कल्याणमयी होती है। सुभगे, जिन्होंने बचपन में भी एकादशी के दिन भोजन नहीं किया है, वे इस समय वृद्धावस्था में भगवान विष्णु के पुण्यमय दिवस को अन्न कैसे ग्रहण करेंगे? तुम इच्छानुसार कोई दूसरा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लो, उसे महाराज अवश्य दे देंगे। उन्हें भोजन कराने के हट से निवृत्त हो जाओ। देवी, मैं धर्मांगद की जननी हूँ। यदि तुम मुझे विश्वसनीय मानती हो तो सातों द्वीप, नदी, वन और पर्वत सहित इस संपूर्ण राज्य को और मेरे जीवन को भी मांग लो। विशाल लोचने, यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूँ तथापि पति के लिए छोटी सपत्नी की भी चरण वंदना करूँगी। तुम प्रसन्न हो जाओ। जो वचन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उनसे न करने योग्य कार्य करा लेती है, वह पाप परायणा नारी नरक में निवास करती है। वह भयंकर नरक से निकलने के बाद 12 जन्मों तक शुकरी की योनि में जन्म लेती है, तत्पश्चात चांडाली होती है। सुंदरी, इस प्रकार पाप का परिणाम जानकर मैंने तुम्हें सखी भाव से मना किया है। कमलानने, धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उचित है कि वह शत्रु को भी अच्छी बुद्धि अर्थात नेक सलाह दे। फिर तुम तो मेरी सखी के रूप में स्थित हो, अतः तुम्हें क्यों ना अच्छी सलाह दी जाए। संध्यावली की बात सुनकर मोहकारिणी मोहिनी सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाली पति की ज्येष्ठ प्रिया से उस समय इस प्रकार बोली, सुभ्रु, तुम मेरी माननीया हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। नारदादि विद्वान महर्षियों ने ऐसा ही कहा है। देवी, यदि राजा एकादशी के दिन भोजन न करे तो उसके बदले एक दूसरा कार्य करे जो तुम्हारे लिए मृत्यु से अधिक कष्टदायक है। शुभे, वह कार्य मेरे लिए भी दुखदायक है, तथापि दैववश मैं वह बात कहूंगी जो तुम्हारे प्राण लेने वाली है। तुम्हारे ही नहीं, पति देव के, प्रजावर्ग के तथा पुत्र वधुओं के भी प्राण हर लेने वाली वह बात है। उससे मेरे धर्म का नाश तो होगा ही, मुझे भारी कलंक की भी प्राप्ति होगी। उस बात को कर दिखाना तो दूर है, मन में उसके करने का विचार भी लाना संभव नहीं है। यदि तुम मेरे उस वचन का पालन करोगी तो इस संसार में तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति फैलेगी, पति देव को भी यश मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पुत्र की सब लोग प्रशंसा करेंगे और मुझे चारों ओर से धिक्कार मिलेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी की बात सुनकर देवी संध्यावली ने किसी तरह धैर्य धारण किया और उस मोहिनी से कहा, कहो कहो क्या बात है, तुम कैसा वचन बोलोगी जिससे मुझे दुख होगा। मुझे अपने पति के सत्य की रक्षा में कभी कोई दुख नहीं हो सकता। स्वामी के हित का साधन करते समय मेरे इस शरीर का अंत हो जाए, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए अथवा संपूर्ण राज्य का नाश हो जाए, तथापि मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। सुंदरी, जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं, वह समृद्धिशालिनी हो तो भी उस पापिनी की अधोगति ही कही गई है। वह 70 युगों तक पूय नामक नरक में पड़ी रहती है, तत्पश्चात भारतवर्ष में 7 जन्मों तक छछुंदर होती है, उसके बाद काक योनि में जन्म लेती है, फिर क्रमशः श्रुगाली, गोधा और गाय होकर शुद्ध होती है। अतः तुम मांगो, मैं पति के हित के लिए तुम्हें अवश्य अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगी। वरानने, मेरा धन, शरीर, पुत्र अथवा अन्य कोई वस्तु जो चाहो मांगो। स्त्रियों के लिए एकमात्र पति के सिवा संसार में दूसरा कौन देवता है। मोहिनी का संध्यावली से उसके पुत्र का मस्तक मांगना और संध्यावली का उसे स्वीकार करते हुए विरोचन की कथा सुनाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, संध्यावली की बात सुनकर ब्रह्मा जी की पुत्री मोहिनी अपने कार्य साधन में तत्पर होकर बोली, शुभे, यदि तुम इस प्रकार धर्म और अधर्म की गति जानती हो और स्वामी के लिए धन तथा जीवन का भी दान करने को उद्यत हो तो मैं तुमसे उस धन की याचना करती हूँ जो तुम्हारे लिए जीवन से भी अधिक महत्व रखता है। तुम्हारे पति राजा रुक्मांगद यदि एकादशी के दिन भोजन नहीं करेंगे तो वे अपने हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद के चंद्रमंडल सदृश सुंदर एवं मनोहर कुंडल भूषित मस्तक को, जिसमें अभी मूछ नहीं उगी है, काटकर तुरंत मेरी गोद में गिरा दें। मोहिनी का वह कड़वे अक्षरों से युक्त वचन सुनकर देवी संध्यावली शीत पीड़ित कदली के समान क्षण भर के लिए कांप उठी।
तदनंतर श्रेष्ठ वर्ण वाली महारानी धैर्य धारण कर हंसती हुई सुंदर मुख वाली मोहिनी से बोली, सुभ्रू, पुराणों में द्वादशी अर्थात एकादशी के संबंध में वर्णित कुछ गाथाएं सुनी जाती है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। धन को त्याग दे, स्त्री जीवन और घर को भी छोड़ दे, देश राजा और मित्र को भी त्याग दे, अत्यंत प्रिय व्यक्ति को भी त्याग दे, परंतु दोनों पक्षों की पवित्र द्वादशी अर्थात एकादशी का त्याग न करे, क्योंकि पुत्र भाई सुहृद और प्रियजन सब संबंधी यही काम देते हैं, किंतु द्वादशी अर्थात एकादशी इहलोक और परलोक में भी अभीष्ट साधन करती है। अतः द्वादशी अर्थात एकादशी के प्रभाव से सब मंगल ही होगा। शुभे, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए धर्मांगद का मस्तक दिलाऊंगी। शोभनी, मेरी बात पर विश्वास करो और सुखी हो जाओ। भद्रे, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है, उसे मैं कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में विरोचन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण दैत्य थे। उनकी पत्नी विशालाक्षी ब्राह्मण पूजन में तत्पर रहती थी। सुबह वह प्रतिदिन प्रातःकाल एक ऋषि को बुलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करती और प्रसन्न चित्त हो भक्ति भाव से उनका चरणोदक लेती थी। उन दिनों हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर सब देवता प्रह्लाद पुत्र विरोचन से भी सदा शंकित रहते थे। एक दिन वे इंद्र आदि देवता बृहस्पति जी की सलाह लेते हुए बोले, हम लोग शत्रुओं से बहुत पीड़ित हैं, इस समय हमें क्या करना चाहिए। उनका यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं, आज दुख में पड़े हुए तुम सब लोगों को अपना यह कष्ट भगवान विष्णु से निवेदन करना चाहिए। अमित तेजस्वी गुरु का यह भाषण सुनकर सब देवता विरोचन के प्राण नाश का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुतियों से सुरश्रेष्ठ श्रीहरि का स्तवन किया। देवता बोले, देवताओं के भी अधिदेवता अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को नमस्कार है। भक्तों के विघ्न का निवारण करने वाले नरहरि को नमस्कार है। महात्मा वामन को नमस्कार है। वाराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। प्रलयकालीन समुद्र में निवास करने वाले मत्स्य रूप माधव को नमस्कार है। पीठ पर मंदराचल को धारण करने वाले भगवान कूर्म को नमस्कार है। भृगु नंदन परशुराम तथा क्षीर सागर शाही भगवान नारायण को नमस्कार है। संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम को नमस्कार है। विश्व के शासक तथा साक्षी रूप श्री हरि को नमस्कार है। शुद्ध दत्तात्रेय स्वरूप और दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले कपिल रूपधारी भगवान को नमस्कार है। धर्म को धारण करने वाले सनकादि महात्मा जिनके स्वरूप है उन यज्ञमय भगवान को नमस्कार है। ध्रुव को वरदान देने वाले नारायण को नमस्कार है। महान पराक्रमी पृथु को नमस्कार है। विशुद्ध अंतकरण वाले ऋषभ को और हयग्रीवावतारधारी श्री हरि को नमस्कार है। आगम स्वरूप भगवान हंस को नमस्कार है तथा अमृत कलश धारण करने वाले धन्वंतरी को नमस्कार है। एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जिनके व्यूह रूप शरीर है उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदी और भृंगी रूप में भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो बद्री का आश्रम में नर नारायण रूप से गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं उन भगवान को नमस्कार है। जो जगदीश्वर पुरी में जगन्नाथ नाम धारण करते हैं, सेतुबंध में रामेश्वर नाम से विख्यात होते हैं तथा द्वारका और वृंदावन में श्री कृष्ण रूप से रहते हैं उन परमेश्वर को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। प्रभु, आपके चरण, हाथ और नेत्र सभी कमल के समान है, आपको नमस्कार है। आप कमला देवी के प्रतिपालक भगवान केशव को बारंबार नमस्कार है। सूर्य रूप में आपको नमस्कार है। चंद्रमा रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इंद्रादि लोकपाल आपके स्वरूप है, आपको नमस्कार है। प्रजापति स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का समुदाय आपका स्वरूप है। आप जीव स्वरूप, तेजोमय, जय विजयी, नेता, नियम और क्रिया रूप है, आपको नमस्कार है। निर्गुण निरीह नीतिज्ञ तथा निष्क्रिय रूप आपको नमस्कार है। बुद्ध और कल्कि ये दोनों आपके सुप्रसिद्ध अवतार विग्रह है। आप ही क्षेत्रज्ञ जीव तथा अक्षर परमात्मा है, आपको नमस्कार है।
आप गोविंद, विश्वंभर, अनंत, आदि पुरुष, शांग धनुषधारी, शंखधारी, गदाधर, चक्र सुदर्शनधारी, खड्गहस्त, शूलपाणी, समस्त शस्त्रास्त्रघाती, शरणदाता, वरणीय तथा सबसे परे परमात्मा है। आपको नमस्कार है। आप इंद्रियों के स्वामी और विश्वमय है। यह संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। काल आपकी नाभि है। आप काल स्वरूप है। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र है। आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र परिपूर्ण, सबके सेव्य तथा परात्पर पुरुष है। आपको नमस्कार है। आप इस जगत के कर्ता, भर्ता तथा धर्ता है। यमराज भी आपके ही रूप है। आप ही सबको मोह और क्षोभ में डालने वाले हैं। अजन्मा होते हुए भी इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। आपको नमस्कार है। भगवान, हम सब देवता दैत्यों से सताए हुए हैं और इस समय आपकी शरण में आए हैं। जगदाधार, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के साथ सुखी होकर रह सके। दैत्यों से सताए हुए देवताओं का यह स्तवन सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। स्नेहपूर्ण हृदय वाले देव देवेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन करके उन देवताओं ने विरोचन का शीघ्र वध करने के लिए उनसे सादर प्रार्थना की। कार्य सिद्धि का उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ श्रीहरि ने इंद्रादि देवताओं की आवश्यकता सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें प्रसन्न करके प्रेम पूर्वक विदा किया।